देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। मित्रों, तस्वीरों में सीधे आप देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के चर्चित पत्रकार पंडित अशोक मिश्र अन्ना भैया इस वक्त सत्संग प्रोग्राम में मौजूद हैं और अब हम आपको ले चलते हैं जहां पर सत्संग का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये आप देख रहे हैं जरवल के समीप अट्ठाईसा गांव के बाहर लखनऊ बहराइच का राष्ट्रीय राजमार्ग हम आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में आज वाहन के साथ हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। ये सभी प्रोग्राम आप देख रहे हैं जय गुरुदेव की सत्संग प्रोग्राम की तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बाहर से ये गेट देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी धार्मिक पुस्तकें जय गुरुदेव प्रभु जी से समर्पित चीज़ें यहाँ पर मिल भी रही हैं और एक डॉक्टर को मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक दवा देकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे हम आपको लाए हैं जय गुरुदेव सत्संग की विशेष प्रोग्राम में। कहते नहीं, नफरत की दीवार तोड़ दो, नशा मांसा हर छोड़ दो। और आज पूज्य श्रद्धेय पंकज जी महाराज के मुखारविंद से हजारों लोगों को वो जागरूक भी करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं बची है दोस्तों। ये संक्षिप्त तस्वीर आप देख रहे हैं, काफी संख्या में लोग मौजूद थे इस उमस भरी गर्मी में भी। और कहते नहीं दोस्तों, रूहों पर रहम करे शाकाहारी बने, जय गुरुदेव प्रभु जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मनुष्य का शरीर परमात्मा का बनाया मंदिर है, इसे शमशान घाट ना बनाएं। दोस्तों, ये सभी तस्वीरें हम आपको लाए हैं जय गुरुदेव प्रभु के विशेष सत्संग प्रोग्राम में। और इस वक्त आप देख रहे हैं पूज्य श्रद्धेय पंकज जी महाराज जी यहाँ भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, लगातार महिलाएं यहाँ से निरंतर गुजर रही हैं, एक एक महिलाओं को निकाला जा रहा है धीरे धीरे और शांतपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको जरवल 28 बहराइच से दे रहे हैं और एक एक भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं पंकज जी महाराज। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर आरती कर रहे हैं भगवान जो है ईश्वर के रूप में माने जाने वाले परम आदरणीय पूज्य श्रद्धेय जय गुरुदेव प्रभु जी की यहाँ पर वंदना की जा रही है, उनकी आरती की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे लगातार ऐसा ग्राम पंचायत से आपको दे रहे हैं लखनऊ बहराइच के राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और अब आप देख रहे हैं ये प्रभु जय गुरुदेव जी की पादुका यहाँ पर रखी हुई है और पादुका को लोग प्रणाम करते हैं। और अब आप देख रहे हैं प्रभु जय गुरुदेव सत्संग ज्ञान गंगा जरवल बहराइच के कार्यक्रम में हम आपको ले जाते हैं पूज्य श्रद्धेय पंकज जी महाराज जी के वचनों को, उनके उपदेशों को हम आपको सुनाते हैं। सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। कैसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव धर्म ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिला। मैं लाई सब कट कट जावे, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं, ये महात्माओं की अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार हमारे कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे। इसलिए मेरे साथ
हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में ये प्राप्त हुआ है, ये जीवन बहुत अनमोल है, दिया है, ताकि हम जीते जी एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा, उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी, जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का टुकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर के शमशान होम पर जला करके राख कर दोगे, हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी, ये रुतवा, ये शान और शौकत उसी शमशान होम पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाइयों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए, इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धराधाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा, इसे मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है।